सज्जाद निजामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें हर रोज नई वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया। जो लोग बाहर के हो जरा हाथ उठा लें, बाहर का कोई नहीं, ये सब दस्तूर में मिला के याद रखना नहीं है वहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं था कुछ दिन के लिए आप नेपाल रहने के लिए चले गए। ऐसा माहौल तो नेपाल का रहता है कि बैठे तो बैठे, हरकत करने का नामी नहीं लेते। एक साथ एक जलसे में जाते थे, कभी नहीं बोलते थे, एक शख्स उन पर नजर रखे था, ये बोलता क्यों नहीं। कई जलसे हो गए, कुछ बोला ही नहीं, और जलसे में जरूर जाता था तो जिस शख्स ने नजर रखी थी उसने हाथ पकड़ कर झटका लगा के कहा, भाई जलसा इलाके का कोई छोड़ते नहीं हो आप, हर जलसे में जाते हो सुनने के लिए, आखिर कुछ सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बोलते क्यों नहीं। तुम मालूम उसने क्या कहा, पहले वक्त ने मुझको बर्बाद किया, आज जलसे में खामोश बैठ करके मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बोले महसूस हो कि आप रसूल तुम नगला में बैठ करके अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, ना ये लोग आपके लिए नए हैं, ना आप मेरे लिए नए हैं। मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मगर आज तक समझ ही नहीं पाया हूँ कि आप तुम लोगों को हो क्या गया। कहीं ऐसा तो नहीं है दो तीन चार दिन से रोजा रख लिया हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो बोलिए आप, हरकत कीजिए ताकि महसूस हो कि वाकई नबी के नाम के शेर सुनने के बाद लोग सुभानअल्लाह कह रहे हैं। वरना आप जानते हैं मेरा बुरा मिजाज है, जब मजमा बोलता है तो आप खोल करके निजामत करता हूँ, जब मजमा नहीं बोलता तो आंखें बंद करके निजामत करता हूँ। अब आंखें जब बंद कर देता हूँ तो कोई भागे कोई जाए कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूँ। लाख मजमे की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 लोग हो अच्छे सुनने वाले, वो 10 लोग करोड़ों पर भारी हुआ करते हैं। अगर अच्छे से सुनेंगे तो अच्छा शेर आपके दिलों को टच होता होगा। क्या मालूम इस पाकीज़ा महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो हम जमीन के ऊपर भी कामयाब, जमीन के अंदर भी कामयाब, और कल मैदाने महशर में भी कामयाब। अरे यार, खामोश हो रहे जिसका नबी ना बोलता हो, खामोश हो रहे जिसका गौस ना बोलता हो, खामोश हो रहे जिसका गरीब नवाज ना बोलता हो, खामोश हो रहे जिनके आला हजरत ना बोलते हो। हमारी तो शान ये है, हम जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी बोलते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं तब भी बोलते हैं, और कल मैदान महशर में पहुंचेंगे इंशाल्लाह तब भी बोलेंगे, और क्यों ना बोले। हमारी तो शान ये है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो बोलिए ताकि अच्छा लगे। मिसाल ले ले, कभी मेरे घर पर आ जाए, आप मुझसे बात करें, मैं आपकी बात पर जी ना कहूं तो सच्ची बताइए आपको कैसा महसूस होगा। आपको महसूस ये होगा कि हमारी बात ये तवज्जो से सुन नहीं रहे हैं, इसलिए बात करने से क्या फायदा है। तो लिहाजा मैं जी जी नहीं बल्कि अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए आपको दावत दे रहा हूँ। आपको मालूम है रसूलपुर नगला के सुन्नी जन्नती मुसलमान ये वो पाकीज़ा महफिल है। आपको मालूम है जाहिर में तो रोड है, जाहिर में तो किसी की जगह है, मेरे नबी की हदीस के मुताबिक ये जन्नत की क्यारी है। आप कहेंगे हसान मजा, इसका कोई प्रूफ है, इसका कोई सर्टिफिकेट है, तो आप सुन ले। हिंदुस्तान की जमीन पर एक शहर, एक सूबा जिसको राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान एक शहर जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है, उसी अजमेर शरीफ की मुकद्दस जमीन पर एक नबी का शहजादा जिसको गरीब नवाज कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सजरी कहा जाता है, आपके अपने चहीते खलीफा जिनका के नाम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिनका मकान दिल्ली की मुकद्दस जमीन महरौली शरीफ में है, न जाने कितने लोग उस मजार पर हाजिरी देकर के आए हैं। कौन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? एक मरतबा अल्लाह के नबी के शहजादे सरकारे गरीब नवाज हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं, आप जहन इधर रखें, अगर बात निकल गई तो सर से गुजर सकती है। आप अपने चहीते खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन नबी की नाप करो, हजरत कुतुबुद्दीन मिंबरे नूर पर बैठ जाते हैं, हिंद का शहंशाह, गरीबों का मसीहा,
सरकार गरीब नवाज सामने जमीन पर बैठ जाते हैं, आप जहां बैठे हैं गरीब नवाज उसी जगह पे बैठकर अपने नाना का जिक्र सुनते हैं। गरीब नवाज सामने बैठे हैं, सुहाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेंबर नूर पर बैठे हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नबी के नाम का पहला शेर पढ़ते हैं। गरीब नवाज बैठे थे, दूसरा शेर पढ़ा, गरीब नवाज बैठे थे अचानक खड़े हो गए और खड़े खड़े नबी के नाम के शेर सुनते रहे। जब कलाम मुकम्मल हो गया, कलाम पूरा हो गया, तो गरीब नवाज की बारगाह में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते, सरकार नबी के नाम पढ़ने के लिए आपने कहा था, जमीन पर बैठकर आप सुन रहे थे, अचानक खड़े क्यों हो गए और पूरा कलाम खड़े खड़े आपने सुना? तो कुर्बान जाओ रसूलपुर नगरा के सुन्नी जन्नती मुसलमान, गरीब नवाज के जुमले पर या गरीब नवाज के जुमले इस बात की गवाही देते हैं कि हम सुन्नियों की महफिल में मदीने शरीफ से आका तशरीफ लाते हैं, जैसे ही हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज किया, सरकार आप क्यों खड़े हो गए थे? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन जैसे ही तुमने नबी के नाम का पहला शेर पढ़ा था कि मेरी आंखों ने क्या देखा, मेरी आंखों ने क्या देखा कि मदीने शरीफ से मेरे नाना इस महफिल में तशरीफ लेकर के आ गए थे, मैं उनके इस्तिगफार के लिए खड़ा हो गया था। तो हम सुन्नियों का अकीदा है, हमारे घर में परेशानी आती है तब भी अपने नबी का भी नाम ना आते हैं, कोई खुशी होती है तब भी अपने नबी का भी नाम ना आते हैं, और क्यों ना मीनार बनाए? नबी के सत्य में मीनार मिला, नबी के सत्य में कुरान मिला, नबी के सत्य में रमजान मिला, नबी के सत्य में हज मिला, नबी के सत्य में जन्नत मिली, नबी के सत्य में ईमान मिला, यहाँ तक कि दुनिया की कोई चीज मिली है वो नबी के सत्य में मिली है। तो किसी ने कहा था वो तो ना थे तो कुछ ना था, वो तो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, जितनी देर आप बैठे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, वरना आप तो जानते ही हैं कि मैं चाहूं तो आपको भगा भी सकता हूं, चाहूं तो आपको हंसा भी सकता हूं, चाहूं तो आपको बुला भी सकता हूं। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि आप लोग बोलने अच्छा है, अब नात का एक शेर सुन ले, उसके बाद मेहमान शायर को सुनने के लिए तैयार हो जाए, जरा नबी की मोहब्बत में हाथों को उठाकर जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। मैंने सुना है अली का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है, अली का नाम अगर कोई इंसान अपने घर के दरवाजे पर लिख दे तो कभी उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। मुहर्रम शरीफ का महीना कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है, आका हुसैन की याद दिलों में ताजा होने वाली है। कौन अली जिनके बारे में शायर ने कहा था कि गर्व दीवारों के साए में ता अख्तर का विजाल कर दिया ठंडा, अली ने बाबे खैबर का विजाल, मुस्तफा ने इसलिए हैदर से सोने को कहा, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का विजाल, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का विजाल, अपने हाथों की ताकत में इजाफा करने के लिए जरा अली का नाम पुकारे और आवाज से बोले या अली, जोर से अल्लाह ने हाथ दिए तो हाथ उठाकर बोले बोले शर्माना बिल्कुल बंद करे, बल आवाज से बोले या अली या अली या अली या अली या अली। शेर में सच्चाई हो तो जरूर बोले कि कब्र को तोड़ना सूरत बुलाना किसको आता है, कि कब्र को तोड़ना सूरत बुलाना किसको आता है, हुकूमत चांद तारों पर चलाना किसको आता है, कि कब्र को तोड़ना सूरत बुलाना किसको आता है, हुकूमत चांद तारों पर चलाना किसको आता है, जमीने करबला से आज भी आवाज आती है, नबी के दीन पे सर को कटाना किसको आता है, नबी के दीन पे सर को कटाना किसको आता है। पर इनके हजरात की तवज्जो चाहूंगा कि नबी के दीन पे सर को कटाना किसको आता है, अबू जहल उमैया की कहां पर लाश तड़पेगी, जमीने बद्र का नक्शा बनाना किसको आता है, जमीने बद्र का नक्शा बनाना किसको आता है, जमीने बद्र का नक्शा बनाना किसको आता है। इसी जीते जागते माहौल में हिंदुस्तान को उसकी तीन लहजे से मुलाकात कर ले, जिसकी छोटी सी उम्र आप यूट्यूब पे देखे तो उसको पाए, बाजार में देखे तो उसकी आवाज आए, दुकान में देखे तो उसकी आवाज आए, वो कीमती लहजा जिनको दुनिया शाहकारे तरन्नुम पैकरे तरन्नुम शारे उनके हिंदुस्तान मुकद्दर का सिकंदर जनाबे सलीम मख्तब से गुजारिश करता हूँ, वो मैं बनाए अपने अशार से हम तमाम समय के कल्ब और जिगर को जिंदा फरमाए, आइए उनका इस्तकबाल इन मिसरों के साथ के दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब, जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह के दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब। रशीद अख्तर साहब की खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर के दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब मिल नहीं सकता।
नबी के बख्शवाने का जवाब मिल नहीं सकता। नबी के बख्शवाने का जवाब सारे नजदीक मिलकर एक तुर्की जिला सकते नहीं। ढूंढते हो गौस के मुर्दा जिलाने का जवाब, ढूंढते हो गौस के जवाब, ढूंढते हो गौस के मुर्दा जिलाने का जवाब मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने फिजा में उड़ते ही, मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने फिजा में उड़ते ही दे दिया जयपाल को जादू चलाने का जवाब, दे दिया जयपाल को जादू चलाने का जवाब मेरा काबा है कोई लाकर दिखा सकता नहीं, मेरा काबा है कोई लाकर दिखा सकता नहीं। हजरत अब्बास के बाजू कटाने का जवाब, हजरत अब्बास के बाजू कटाने का जवाब गुमशुदा सुई मिली थी आयशा को रात में, कैसे लाओगे नबी के मुस्कुराने का जवाब, कैसे लाओगे नबी के मुस्कुराने का जवाब। आइए अपने मेहमान शायर का इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहनम से खुद को परी लिख रहा हूँ। खुदा ने ये फरमाया माँ को मना ले, तेरे नाम जन्नत अभी